नमस्कार, मैं हूँ राम प्रकाश राय। दिल्ली विधानसभा में जो विशेष सत्र चल रहा है आज, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। दिल्ली में जब से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी हुई, दिल्ली में जो नई आबकारी नीति थी उसको लेकर के, उसके बाद से जो हंगामा है सियासी, वो लगातार जारी है। पहले सदन के बाहर और अब सदन के अंदर। शुक्रवार को भी इस संबंध में सदन में खूब हंगामा हुआ था। इसी हंगामे के क्रम में आज, जब ये पहले से तय था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेंगे, तो जैसे सदन की शुरुआत हुई, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने सीवर, पानी और भ्रष्टाचार पर चर्चा कराए जाने की मांग की। सब इसके जब ये मांग लगातार बढ़ती गई, तो उसके बाद फिर सभी विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन से मार्शल आउट, यानी पूरे दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया गया। विधानसभा के अंदर सीबीआई के छापे को लेकर के, और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी का आरोप था भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके विधायकों को खरीदने को लेकर के, उसको लेकर के दोनों आमने सामने रहे, दोनों के बीच में गहमागहमी रही। और बाद में अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके कई सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर लगाए, केंद्र की सरकार पर लगाए, विशेष करके महंगाई और भ्रष्टाचार पर वो खूब हमलावर रहे। अरविंद केजरीवाल ने सदन में बोलते हुए ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो केवल कुछ अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहती है, इसके चलते 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो माफ़ कर दिया गया, इनके जो दोस्त थे वो 10 लाख करोड़ रुपए खा गए। इतना ही नहीं, अब तक की ये जो सरकार है उसको अरविंद केजरीवाल ने उसको 75 साल की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। उन्होंने साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने ये भी आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि अब तक जो है 6300 करोड़ रुपए केवल MLA को खरीदने के में भारतीय जनता पार्टी खर्च कर चुकी है। और साथ ही साथ इसको महंगाई से जोड़ते हुए उन्होंने बात कही कि ये जो कारण है वो महंगाई बढ़ाने का मेन कारण है। जो इनके मित्र जब आते हैं, जो तमाम खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाए गए हैं उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो इनके मित्र हैं वो आते हैं, जब कहते हैं कि हमें इतने हज़ार करोड़ का कर्जा माफ़ कर दीजिए हमारा, तो वो एक प्रोडक्ट पर टैक्स लगा देते हैं और उसी टैक्स का जब पैसा आता है तो उससे उनका वो कर्जा सरकार जो है वो माफ़ कर देती है। अब अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को आरोप लगाते हुए, महंगाई का आरोप लगाते हुए जो बात कही, जरा वो आप सुनते चलिए, फिर हम आगे बात करेंगे। एक दोस्त आया, बोला जी मेरे 5000 करोड़ रुपए माफ कर दो। ये मंत्री को बुलाते हैं, हाँ भाई दही पे टैक्स लगा दे। फिर दही पे जितना टैक्स आता है उससे एक दोस्त के कर्जे माफ। फिर दूसरा दोस्त आता है, मेरे जी 10000 करोड़ रुपए माफ कर दो। फिर कहते हैं हाँ भाई छाछ पे टैक्स लगा दे। फिर वो छाछ से जितना पैसा आता है उससे दूसरे दोस्त के कर्जे माफ। ये ठीक है क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। आज अगर ये लोग अपने दोस्तों के कर्जे जितने माफ करें वो रिकवर कर लें, इस देश से महंगाई दूर हो सकती है। एक अंग्रेज थे, अंग्रेज हमारे देश से, आपने पिक्चरें देखी होगी, वो कौन सी वाली थी, लगान, और भी इस तरह की कई पिक्चरें आई जिसमें मार मार के, कोड़े मार मार के लगान ले रहे हैं लोगों से। वो लगान लेते थे, अत्याचार करते थे, और वो लगान लेके टैक्स लेके हमारे देश पे खर्च नहीं करते थे, वो सारा पैसा इंग्लैंड ले जाते थे। और अब उनके बाद ये अंग्रेज आए हैं, ये भी खूब खून चूस रहे हैं जनता का, खूब टैक्स ले रहे हैं, हर चीज पे टैक्स ले रहे हैं। वो टैक्स आपके ऊपर खर्च नहीं कर रहे, आपके स्कूल नहीं बना रहे आपके बच्चों के लिए, आपके लिए अस्पताल नहीं बना रहे, आपके लिए बिजली नहीं कर रहे, आपके लिए सड़कें नहीं बना रहे, आपसे टैक्स ले लेके ये सारा पैसा अपने अरबपति दोस्तों के जेब में डाल रहे हैं। इसलिए महंगाई हो रही है कि मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? पेट्रोल और डीजल क्यों महंगा हो रहा है, कभी सोचा हमने? रोज पूरी दुनिया में हम देखते हैं, पूरी दुनिया में तेल के दाम गिरते हैं और हमारे देश में दाम बढ़ते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जहां पे भारत से कहीं ज्यादा सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है, हमारे यहां महंगा क्यों मिल रहा है? पेट्रोल और डीजल पे अनाप शनाप टैक्स लगा रखा है इन लोगों ने, इतना टैक्स लगा रखा है, ये पैसा कहां जाता है? ये पैसा जाता है ऑपरेशन लोटस पे। ये क्या है ऑपरेशन लोटस? ऑपरेशन लोटस है अलग अलग राज्यों के अंदर ये लोग MLAs को डरा के, MLAs को खरीद के, और उससे ये लोग सरकारें गिराते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं।
खूब पैसा देते हैं। दिल्ली के अंदर तो हम बर्दाश्त कर चुके हैं, दिल्ली के अंदर तो हम खुद भुक्तभोगी हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने हमारे एमएलएज को 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलएज को इन्होंने खरीदने की कोशिश की। कम से कम 12 एमएलएज ने आके मेरे को बताया कि 20-20 करोड़ रुपए कह रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए ले लो और आम आदमी छोड़ दो और बीजेपी में आ जाओ। और इनका टारगेट था 40 एमएलएज लेने का, 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस है। लेकिन दिल्ली के ये सारे एमएलए ईमानदार हैं, इनको पैसे का लालच नहीं है, इसलिए कोई नहीं बिका। दिल्ली में इनका ऑपरेशन लोटस इनका फेल हो गया। तमाम आरोपों के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने जब सरकार पर निशाना साधा, तमाम आरोप लगाए, इसके बाद उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर विश्वास प्रस्ताव, विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। उस विश्वास मत के प्रस्ताव को पेश करने के पहले उन्होंने ये बात भी कही कि तमाम लोग जो उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर इस विश्वास मत प्रस्ताव के समय क्या ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने उसके कारण भी गिनाए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। आज ही जो विश्वास मत हम लेके आए हैं, मेरे को कुछ लोग पूछ रहे थे विश्वास मत की क्या जरूरत है। जी जरूरत है, ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक एमएलए, एक एक मंत्री कट्टर ईमानदार है। ये दिखाने के लिए कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, गोवा में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, लेकिन दिल्ली में आके टाइटा फिस हो गया। इन्होंने पूरी कोशिश करी 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलए खरीदने की। कॉन्फिडेंस मोशन से हम ये साबित करेंगे दिल्ली की जनता को कि एक भी एमएलए नहीं बिका, कोई नहीं बिका, एक भी नहीं बिका। एक भी खरीद के दिखा दो हम मान जाएंगे। आज मैं चैलेंज करता हूं इस सदन के, एक भी खरीद के दिखा दो तो हम मान जाएंगे। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है। इसके अलावा आज दिल्ली विधानसभा के अंदर जो सदन के अंदर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर एक बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जिस समय विनय सक्सेना खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC के चेयरमैन हुआ करते थे, उस समय उन्होंने एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया था। 2016 में जिस समय नोटबंदी हुई थी, उसमें करीब 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप दिल्ली के LG पर आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा लगाया गया। इसके लिए उन्होंने कुछ सबूत भी दिए। उस साथ ही साथ उन्होंने कैशियर का जो पत्र था उसको भी उन्होंने सार्वजनिक किया। आम आदमी पार्टी ने उस पत्रों को सार्वजनिक किया है। आपके स्क्रीन पर ये दोनों चिट्ठियां, दोनों जो कैशियर हैं उनको अलग अलग दिखाई भी दे रही है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो हमलावर हो गए और वो LG के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग करने लगे। LG और जो फिर विधानसभा के सत्र को स्थगित किया गया। बाद में जब दोबारा सदन चालू हुआ तो फिर से वो इसको लेकर के LG की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बाद में जब LG की गिरफ्तारी को लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक मांग करते हुए बेल तक पहुंच गए, तो फिर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं राखी बिरला, उन्होंने सदन को 30 तारीख यानी मंगलवार 30 तारीख तक के लिए इसको स्थगित कर दिया। साथियों, ये खबर भी छपी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। LG साहब को हटाना चाहिए। LG साहब भ्रष्ट है। LG साहब ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। LG के लिए ऐसा नहीं, LG साहब के खिलाफ जांच होनी चाहिए, LG साहब के खिलाफ जांच होनी चाहिए। 12:30 बजे तक